हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये एक बॉर्डर बनाने जा रहे हैं जो कि है कटाऊ वाला। ये कटाऊ वाला बॉर्डर है जिसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। किसी प्रोजेक्ट का मीन्स है कि आप इसको लेडीज कार्डिगन पर डालिए, बच्चों के किसी प्रोजेक्ट पे डालिए, जैकेट पे डालिए, और आप इसको एज ए बॉर्डर भी यूज कर सकते हो और एज ए पैटर्न भी यूज कर सकते हो। अगर आप फुल कार्डिगन में डालना चाहते हो तो आप एज ए पैटर्न इसको यूज कर लीजिए, या अगर आप थोड़ा डालना चाहते हो तो आप एज ए इसको बॉर्डर भी यूज कर सकते हो। एक तो ये हो सकता है आप इसको एज ए बॉर्डर यूज कीजिए और ऊपर आप कोई और पैटर्न डाल लीजिए, या फिर आप इसको पूरे ही प्रोजेक्ट में ऐसे ही डाल लीजिए। दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम ये वाला बॉर्डर और ये आप कह सकते हो पैटर्न बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो फंदे चाहिए वो चाहिए 10 के मल्टीपल। 10 के मल्टीपल पर ही हमारा ये पैटर्न बन के आया हुआ है। देखिए, नीचे मैंने जो फंदे डाले वो डाले हैं डिजाइनर। नीचे डिजाइनर फंदे डाल के इसको स्टार्ट किया है। ये देखिए हमने कैसे बनाया, वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने 10 के मल्टीपल फंदे डाल लेने हैं। 10 के मल्टीपल फंदे डाल के हम हैं अब अपनी सीधी साइड पे। तो सीधी साइड से हमने क्या करना, जो सीधी साइड से फर्स्ट रो है वो हमने डालनी है पूरी की पूरी उल्टी। हमारी फर्स्ट रो है पूरी की पूरी, हमने ये रो उल्टी डाल लेनी है। हम सीधी साइड पे हैं और ये हम सीधी साइड पे और हमारी फर्स्ट रो जिसको कि हम पूरी के पूरी उल्टी डाल के कंप्लीट करेंगे। पूरी रो हम ऐसे ही उल्टी डाल देंगे, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट रो हमने पूरी के पूरी उल्टी डाल लेनी है। फर्स्ट रो पैटर्न की हम है सीधी साइड पे और पूरी की पूरी हमने ये रो सीधी नहीं उल्टी डाल के कंप्लीट करनी है। हम अपने है सीधी साइड पर रो हम डाल रहे हैं पूरी की पूरी उल्टी। तो फर्स्ट रो हम ये उल्टी कंप्लीट करके फिर मिलते हैं हम अपने पैटर्न की सेकंड रो सीधी साइड पे। अब हम आगे पैटर्न की सेकेंड रो, ये हमारी सेकेंड रो है और हम उल्टी साइड पे हैं। ये रो देखिए हमने कैसे कंप्लीट करनी है। ये हमने ये देखिए एक और दो ऐसे बल डाल के पूरी की पूरी रो ऐसे ही बनानी है। हमने उल्टे डालने हैं, उल्टी साइड पे और उल्टी ही रो ऐसे हम डालेंगे दो, एक फंदा। फिर हमने ऐसे किया, दो बार बल डाला, फिर हमने दो बार बल डाला उल्टा निट कर लिया, फिर हमने दो बार बल डाला और उल्टा निट कर लिया। हमने ये देखिए दो बार घुमाया धागा और उल्टा निट कर लिया, दो बार धागा घुमाया उल्टा निट कर लिया, फिर हमने दो बार धागा घुमाया उल्टा निट कर लिया, फिर हमने दो बार धागा घुमाया और उल्टा निट कर लिया। ऐसे ही हमने ये पैटर्न की सेकंड रो रॉन्ग साइड पे ऐसे ही पूरी की पूरी हमने कंप्लीट कर लेनी है। तो ये कंप्लीट करके फिर मिलते हैं हम अपने पैटर्न की थर्ड रो सीधी साइड पे। अभी हम आ गए पैटर्न की हमारी थर्ड रो, और सीधी साइड है हमारे पैटर्न की थर्ड रो है। इसमें हम देखिए कैसे करेंगे। ये हमने देखिए पूरी रो हमने बल डाल के कंप्लीट की थी, तो अब हमने सभी के सभी बल खोल लेने। ये देखिए ऐसे खोला और इसको हमने उल्टा निट कर लेना। इसका भी ऐसे बल खोलेंगे, इसको भी हम उल्टा निट कर लेंगे। फिर देखिए ये बल खोलेंगे, इसको भी हमने ऐसे उल्टा ही निट कर लेना। फिर हमने ये बल खोलना, इसको भी हमने ऐसे ही उल्टा निट कर लेना। ऐसे ही हमने सभी बल खोलते जाना और सभी को हमने ऐसे देखिए उल्टा निट करते जाना। बल खोल लेंगे, उल्टा निट कर लेंगे। ऐसे ही हमने ये पूरी रो डालते चले जाना। ये देखिए फिर हमने ये देखिए बल खोला और इसको उल्टा निट कर लिया। इसके बाद ये देखिए हमने ऐसे बल खोला और इसको फिर ऐसे उल्टा निट कर लिया। फिर हमने ये देखिए ऐसे बल खोला और इसको उल्टा निट कर लिया। पैटर्न की हमारी थर्ड रो है और पूरी की पूरी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। तो पूरी रो हम कंप्लीट करके पैटर्न के थर्ड मिलते हैं पैटर्न की फोर्थ रो पे। अभी हम आ गए पैटर्न के फोर्थ रो रॉन्ग साइड पे, पैटर्न के फोर्थ रो जो कि हमने पूरी की पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेनी है। ये जो हमने फोर रो डाली है इसमें हमारा ये नीचे वाला ही पैटर्न बन के आया है। ये देखिए जो हमने ये बनाया इसको हमने पूरी की पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रो फोर्थ रो में उल्टी डाल लेती हूँ। फिर मिलते हम अपने पैटर्न के फिफ्थ रो
सीधी साइड जहां से हमारा फिर कटान बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम आ गए अपने पैटर्न की सीधी रो पे। सीधी रो में ये देखिए हमने क्या करना, पहले दो फंदे उल्टे बुन लेने, ये हमारे एस्टिच वाले फंदे हैं जो कि हमारे एक्स्ट्रा फंदे होंगे। दो उल्टे बुनने के बाद फिर हम धागे को आगे करके एक फंदे को उल्टा बुन लेंगे। फिर हम धागा आगे करेंगे, ऐसे जाली डालेंगे और इसके बाद हमने यहाँ पे एक दो तीन और चार, चार फंदे हमने बुनने हैं सीधे। तो हमने जो चौथा फंदा सीधा बुनना है इसके साथ हमने एक एक फंदा डिक्रीज कर देना है। एक फंदा हम इधर से ले लेंगे, ये देखिए चार फंदा हमारा, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, इन तीनों का हमने एक कर देना है। पर करना कैसे, ये देखिए हमने ये सेंटर वाला फंदा इसको ऐसे लेंगे और इसको ऐसे लेके तीन का एक कर देंगे। तो अभी हमारे हो गए तीन फंदे सीधे, उसके बाद हमने तीन का एक किया और फिर हमने तीन फंदे सीधे निट कर लिए, एक दो तीन। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे कैसे हुए, चार और चार, आठ और एक नौ, नौ फंदे हमारे ये हो गए। और फिर हमने एक जाली डाल के ये हमारा दस फंदा का पैटर्न यहाँ तक बन गया, ये देखिए। तो फिर हमने फर्स्ट रो से ऐसे जैसे स्टार्ट किया था, फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम जाली डालेंगे, ये देखिए फिर हमने ये जाली डाली और इसके बाद फिर हमने एक दो तीन फंदे हम सीधे नीट करेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे सीधे नीट करने के बाद एक फंदा और ये दो, दो को हम ऐसे लेंगे, एक और दो, ये देखिए ऐसे, इसको हमने ऐसे सिलाई पे ऐसे डाल लेना। और ये हमारा तीसरे वाला फंदा, तीनों फंदों का हमने कर देना एक, तीनों का एक करने के बाद फिर यहाँ पे फिर हमने तीन फंदे सीधे निट कर लेने, एक दो तीन, ये देखिए ऐसे हमारा दस फंदों का पैटर्न पूरा हो जाएगा। फिर हम जाली डालेंगे और एक फंदे को हमने फिर यहाँ पे उल्टा निट कर लेना, उल्टे के बाद फिर हमने जाली डालनी है, जाली डालने के बाद फिर हमने यहाँ पे देखिए तीन फंदे सीधे, एक दो और तीन, इसके बाद फिर हमने यहाँ पे तीन का एक करना है क्योंकि यहाँ पे हम हाफ डब्बी बनाएंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे दो का एक और ये वाला फंदा सीधा। उल्टी रो में हमने कुछ भी नहीं करना, पूरी की पूरी रो उल्टी हमने उल्टी ही निट कर लेनी है। तो ये मैं रो पूरी उल्टी निट कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं हम अपने पैटर्न की नेक्स्ट रो सीधी साइड पे, क्योंकि उल्टी रो में हमने कुछ करना नहीं, तो सीधी की सीधी हम पूरी की पूरी रो उल्टी निट करके फिर हम अपने पैटर्न की नेक्स्ट रो पे मिलते हैं सीधी साइड पे। तो अब हम आगे पैटर्न की सीधी रो, तो इसमें ये देखिए हमने एक उल्टा, ये दो उल्टा, अभी जो हमने जाली वाला फंदा था इसको हम उल्टा निट करेंगे, जाली वाले फंदे को उल्टा निट करेंगे, ये भी हमारा उल्टा आएगा और ये भी जाली वाला उल्टा। तो इसके बाद फिर हम यहाँ पे फिर जाली डालेंगे, ये देखिए जाली डालने के बाद फिर हमने इस फंदे को सीधा, अब यहाँ पे हम दो फंदे सीधे निट करेंगे, दो फंदे सीधे निट करने के बाद हमने ये देखिए ये फंदा और ये फंदा फिर तीन का एक करने, ऐसे लेंगे दो फंदों को हम ऐसे लेंगे, तीसरे को यहाँ पे ऐसे, फिर हमने ऐसे तीन का फिर कर देना एक, बस ऐसे ही ये वाली पूरी रो हमने ऐसे ही डाल लेनी है। फिर हम यहाँ पे फिर हमारे दो फंदे सीधे आ गए, ये देखिए पहले यहाँ पे हमारे थे नौ फंदे, तो पहले हमने इंक्रीज करके हमारे यहाँ पे रह गए सेवन और अभी हमारे देखिए एक दो तीन चार पांच फंदे रह गए। यहाँ पे फिर हम जाली डालेंगे और हमारा फंदा एक इंक्रीज हो जाएगा, ये जो पहले जाली वाला फंदा था इसको हम उल्टा निट करेंगे, यहाँ पे हमारे देखिए तीन और एक जाली डाल के हमारे यहाँ पे अभी पांच फंदे हो गए। जैसे हमने यहाँ तक किया वैसे ही हमने यहाँ पे बना लेना, ये देखिए वन और दो सीधे फंदे, दो सीधे फंदों के बाद हमने ये दोनों को ऐसे सिलाई पे डाल के तीन का हमने एक कर देना है और उसके बाद फिर अगले दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे के बाद फिर हम यहाँ पे जाली डाल लेंगे, जाली डालने के बाद फिर ये वाले फंदे जो पहले हमने इंक्रीज की थी इनको उल्टा निट कर लेना। ऐसे ये रो पूरी कंप्लीट करके फिर हम मिलते हैं अपने पैटर्न की जो उल्टी रो है उसमें हमने कुछ भी नहीं करना, पूरी की पूरी रो हमने उल्टी डाल लेनी है। तो पूरी उल्टी रो डाल के फिर हम अपने सीधी रो पे फिर मिलते हैं। अभी फिर हम आ गए सीधी रो पे, देखिए ये जो फंदे उल्टे हैं हम इनको उल्टा ही निट कर लेंगे क्योंकि हमारे जो उल्टे फंदे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जो भी हम फंदे हम बढ़ा रहे हैं ना, जो हमारे फंदे बढ़ के आ रहे हैं उनको हम उल्टा निट कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो उल्टे फंदे वो इंक्रीज हो रहे हैं, उल्टा आ गया। इसके बाद फिर देखिए हम यहाँ पे फिर जाली डालेंगे,
जाली डालने के बाद यहाँ पे अब एक फंदा हमारा सीधा आ जाएगा और यहाँ पे फिर हम तीन का एक करेंगे ऐसे ही। ये देखिए पीछे वाले फंदे को हम पहले लेंगे ऐसे और ये ऐसे लेके तीन का फिर हमने एक कर देना। तीन का एक करने के बाद फिर हम इस फंदे को सीधा नीच कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे फंदे रह गए हैं तीन, ये देखिए 1 2 3। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे जाली डाल लेनी है। ये देखिए जाली के लिए हम ऐसे डालेंगे और इसके बाद क्योंकि हमने ये जो फंदे भरे हुए फंदे इनको हमने सभी को उल्टा नीट कर लेना है। अभी ये हमारे फंदे हो जाएंगे 5 और इसके बाद हम जाली डालेंगे। ये देखिए फिर ये देखिए हमारा यहाँ पे एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधे के बाद ये और ये दो को ऐसे लेंगे, तीसरे को यहां से लेके तीन का हम एक कर देंगे। तीन का एक करने के बाद इस फंदे को भी हमने सीधा नीट कर लेना। यहाँ पे फिर हमने धागे को ऐसे घुमा के जाली डाल के बाकी फंदे हमने उल्टे नीट कर लेने। ऐसे ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये रो हम ऐसे कंप्लीट करके जो उल्टी रो है उसमें हमने कुछ भी नहीं करना, पूरी की पूरी रो हमने उल्टी डाल लेनी है। तो उल्टी रो हम पूरी डाल के फिर हम मिलते हैं अपने पैटर्न की सीधी रो पे, क्योंकि सीधी रो पे फिर हमारा पैटर्न ऐसे ही आएगा तो हम सीधी रो पे फिर मिलते। अभी फिर हम आ गए पैटर्न के सीधे रो। ये देखिए हमारा ये पैटर्न इतना बन गया। तो अभी हमने क्या करना है, ये हमारे सिर्फ तीन फंदे रह गए, अब हमने इन तीनों का एक कर देना और हमारे यहाँ पे उल्टे फंदे इंक्रीज हो गए और तीन का एक हो गया। तो ये हमारे पैटर्न की सेकंड लास्ट रो है। इसमें हम ये देखिए उल्टे हमने निट वैसे ही करने जैसे हम पहले निट करते आ रहे हैं। तो सिर्फ इसमें फर्क यही है कि अभी हमारे जो तीन फंदे रह गए हैं हमने उनको भी डिक्रीज कर देना है। देखिए कैसे ये हम सभी फंदे हमारे जो हम बढ़ा के हमने किए हैं सभी के सभी, ये हमारे फंदे सारे के सारे उल्टे आ जाएंगे। तो इनको हम उल्टा ही निट कर लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए फिर हमने ये देखिए जहां पे पहले जाली डाली थी वहां पे हमने फिर ऐसे जाली डालनी है। जाली डालने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारे तीन फंदे रह गए। तो तीनों को हमने ऐसे ही जैसे हम पहले कर रहे हैं, दो को हम ऐसे सिलाई पे ले लेंगे, तीसरे को ऐसे लेके हम कर देंगे तीन का एक। तो ऐसे करने से अभी यहाँ पे हमारे सीधे फंदे सारे के सारे कम हो गए हैं। तो इसी के साथ ये हमारा पैटर्न की सेकंड लास्ट रो है। तो हमारा पैटर्न इसी रो पे कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे सारे फंदे उल्टे आ जाएंगे, ये सारे के सारे हमने उल्टे निट कर लेने हैं। तो अभी जो 9 फंदे थे वो हमारे सारे उल्टे आ जाएंगे और ये जो हमारा एक फंदा पहले उल्टा था वो हमारा यहाँ पे अब सीधा हो गया। फिर देखिए दोनों को ऐसे लेंगे और एक ये लेंगे तो तीन का हमने एक कर देना। बस इस पैटर्न को डालते हुए आपने यही ध्यान रखना है कि आपके जितने फंदे इंक्रीज हो उतने ही आप डिक्रीज करेंगे। ये देखिए जैसे हमारी ये दो जाली डली है तो यहाँ पे दो फंदे इंक्रीज हुए, यहाँ पे हमारे दो कम हो गए, यहाँ पे हमारे दो फंदे इंक्रीज हुए, यहाँ पे हमारे दो कम हो गए। तो ऐसे ही आपका पैटर्न ये सेट होना चाहिए। बस आपने इस पैटर्न को डालते हुए यही ध्यान रखना। इसके बाद जो उल्टी रो हमने पूरी उल्टी नीट कर लेनी है। तो ऐसे ही हमने इस पैटर्न को बनाते चले जाना, क्योंकि ये देखिए ना ऐसे ही हमारे ये नीचे से कटाव बनते जाएंगे। तो हम इस पैटर्न को ऐसे बनाते जाएंगे तो हमारे पैटर्न के लुक कुछ ऐसी आ जाएगी। देखिए ये देखिए ये मैंने आपको पहले ही दिखाया जो हमने पहले निट करके रखा हुआ, ये देखिए। तो हमारे ये पैटर्न ये देखिए बनने के बाद ऐसे लगेगा। ये तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट के एज ए बॉर्डर यूज कर सकते हो, या आप इसको डाल सकते हो किसी प्रोजेक्ट में एज ए बॉर्डर, और या फिर आप इसको कर सकते हो यूज पूरे पैटर्न में। अगर आपने पूरे प्रोजेक्ट में डाला, ये देखिए मैंने ऊपर से फिर स्टार्ट कर दिया जैसे फर्स्ट रो से स्टार्ट किया था। ये देखिए ऐसे ही हमने यहां से फिर स्टार्ट करके ऐसे ही हमने इसको ऊपर से ऊपर बढ़ाते चले जाना। तो फिर बताइए कमेंट करके आपको ये वाला बॉर्डर ये और ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तभी कमेंट करके बताइए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे एक नए पैटर्न के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।